हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैंने फिर एक नया रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है कैबेज रोल, पत्ता गोभी की रोल। तो इसको खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है, जैसे एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स ऑप्शन है। आप जब भी चाय का साथ कुछ खाने का मन करे तो इस टाइप का रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, और घर का सामान सही ना इसको रेडी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बाहर जाने का ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कोई पार्टी शार्टी में इस टाइप का रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होती है। घर में जो भी बनाएंगे आप वो बहुत ही हेल्दी होती है। अभी देखिए हमारा ये पकौड़े रेडी हो गई, और रोल जो भी बोले आप, तो इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए पत्ता गोभी लिया, पत्ता गोभी का जैसे बड़ा बड़ा पत्ता लेना है हम लोगों का, ज़्यादा छोटा पत्ता लेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे, थोड़ा बड़ा पत्ता लीजिए। मेरा कैबेज थोड़ा छोटा था इसीलिए उसको पत्ता उतना बड़ा बड़ा नहीं मिली, तो ओके इसमें मैं मैनेज कर सकती हूँ। इसको ऐसा अच्छा से निकाल के अलग अलग कर लेना है, फिर धो लेना है, अच्छा से अलग अलग करके धो लेना है। आप जितना रोल बनाना चाहती हैं उसी हिसाब से पत्ता लीजिए। अभी इसको धो लेना है, और एक बोल में मैंने 1.5 कप पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल के उस पत्ता को थोड़ा बॉयल कर लेंगे। पत्ता को थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, 5 मिनट तक बॉईल करेंगे, ज़्यादा ओवर कुक ना करें इसको। ऐसा ही मेरा पतीला थोड़ा छोटा ले लिया इसलिए ऐसा करके दबा दबा के डालना पड़ रहा है। अभी हम लोग बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। इसके लिए मुझे टोफू चाहिए। टोफू खाना तो बहुत ही हेल्दी होती है, आप देखिए इसमें बहुत सारे कैल्शियम प्रोटीन बहुत है, तो इसको ज़रूर खाइए। जैसा भी रेसिपी आप लोग का पसंद है उसी हिसाब से बना के इसको एंजॉय कीजिए। किसी किसी को जैसे पनीर में थोड़ा एलर्जी होती है, वो मिल्क से बनती है इसीलिए, लेकिन जो वेगन है उनके लिए तो ये एकदम फास्ट ऑप्शन है। तो इसको पहले मैंने स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट लिया, अब देखिए ऐसे लंबा पीसेस में फिंगर जैसे बना लेंगे, कोई फिंगर चिप्स भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही करके मैंने पूरा काट लिया, आप देखिए इसी टाइप का फिंगर जैसे लॉन्ग लॉन्ग करके इसको काट लिया। आप देखिए हमारा गोभी एक साइड हो गया, तो इसको थोड़ा सा पलट देना है। पलट देने से नीचे का जो है वो ज़्यादा कुक होगी, तो उसको ऊपर डाल देना है और ऊपर का नीचे डाल देना है, ऐसा तो करना ही पड़ता है, छोटा पतीला है इसीलिए। तो आप देखिए इसको ज़्यादा ओवर कुक ना करें, इसका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आ गई है, कलर चेंज हो गया, इसका मतलब हमारा पत्ता रेडी हो गई। अभी इसको पानी छोड़ने के लिए रख दिया, और अभी हम लोग जो टोफू को काट लिया था उसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बोल में लेने के बाद इसको मैरिनेशन करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा सोया सॉस, आप चाहे तो थोड़ा दही डाल सकते हैं, और खट्टा दही, और थोड़ा सा टमाटो केचप डाला मैंने, और ग्रीन चिली सॉस भी डालेंगे। मैं सॉल्ट नहीं डालूंगी क्योंकि सोया सॉस में ऐसा ही बहुत सॉल्टी होती है, तो इसलिए सोया सॉस डालने जब डालेंगे तो सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। और आप जैसे लेमन जूस और दही से मैरिनेट करें तो उस टाइम में थोड़ा सा डाल दीजिए सॉल्ट। अभी मैं सॉल्ट नहीं डालूंगी, इस टाइप का पूरा से जैसे अच्छा से कोट करके मैंने इसको थोड़ा मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे साइड में, 10 मिनट्स तो इसको रख लीजिए। अभी पत्ता गोभी को देखिए मैंने एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन आउट करके इसको एक छन्नी में रख देना है। मैंने एक स्टैंड मिला मेरा पास तो मैंने वही डाल दिया। अभी हम लोग एक बैटर बनाएंगे, इसके लिए मैंने बेसन लिया 4 टेबल स्पून, आप जितना बनाएंगे उसी हिसाब से आप बेसन ले लीजिए। इसका साथ थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, और कॉर्नफ्लावर मैंने 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप चाहे तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं, उसमें और भी क्रिस्पी एंड क्रंची बनती है। थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, चाट मसाला डालने से बहुत चटपटा बनती है, खट्टा मीठा एक टेस्ट देते हैं, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दिए, और ब्लैक सॉल्ट भी थोड़ा डाल दिया। ब्लैक सॉल्ट इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर दिया इसको कलर लाने के लिए। तो इसको अच्छा से हम लोग मिक्स कर लेंगे पहले, फिर एकदम फ्रीज का ठंडा पानी से इसको एकदम चिल वाटर लेके ग्रेजुअली मिक्स करना, स्लोली स्लोली इसको मिक्स करते रहना है। एक साथ में ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि ज़्यादा गीला नहीं करना है हम लोगों को, तब अच्छे से कोट नहीं होंगे, तो इसीलिए धीरे धीरे पानी डाल के इसको एक बैटर बना लेना है, जैसे पत्ता गोभी का ऊपर ये अच्छा से कोट हो जाए। तो इस हिसाब से मैंने, मेरे ख्याल में अच्छे से हो गया। अभी
इसमें थोड़ा सा मेल्टेड बटर डालेंगे। मैंने कोई जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालूंगी, तो बहुत हेल्दी बन गई ना। बाजार से लाएंगे तो आपको तो बेकिंग सोडा वो सब कुछ डाल के एकदम जैसे कुछ टेस्टी बना देंगे। तो अभी इसमें थोड़ा सा तिल भी मैं डाल रही हूँ, सिसम सीड भी थोड़ा डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है इसलिए मैंने थोड़ा डाल दिया। अब इसको साइड में रखेंगे थोड़ी देर। अभी पत्ता गोभी को देखती हूँ। अब देखिए पत्ता गोभी का जो बड़ा बड़ा पत्ता है उसको ही लूँगी, छोटा पत्ता लेने से उसको फाटने का चांसेस रहते हैं। अभी हमारा टोफू मैरिनेट हो गया। अभी टोफू का जगह आप पनीर चाहिए तो पनीर भी ले सकते हैं, लेकिन टोफू मुझे पसंद है इसलिए मैंने लिया। इसको फोल्ड करने का टाइम पे देख लीजिए, ऐसा फोल्ड मत कीजिए, इसे दोनों साइड के इसके अंदर डाल के ऐसा फोल्ड कीजिए, तब तो ये फाटने का चांसेस नहीं है। जब हम लोग फ्राई करेंगे उसको फाटेगा नहीं, तो इसी हिसाब से फोल्ड कीजिए। मैंने दूसरा एक पत्ता लिया। आप देखिए इतना ट्रांसपेरेंट हो गया ना पत्ता, उतना टाइम तक ही आपको कुक करना है, ओवर कुक मत कीजिए, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो मैंने फिर दोबारा दिखा रही हूँ कैसे रोल करना है। तो ऐसा ऐसा करके रोल करके अपने बना के फ्रीज में रख सकते हैं, जब भी मन करे आप बैटर में डुबा के इसको फ्राई करके एंजॉय कर सकती है। जैसे घर में कोई गेस्ट आ जाए, कोई पार्टी है, कोई इवनिंग टाइम पे आपको मन करे जैसे कुछ चाय का साथ खाने के लिए, तो इस टाइप का रोल बना सकते हैं। हमारा रोल रेडी है अभी फ्राई करने के लिए। अभी बैटर भी थोड़ा रेस्ट हो गई, बैटर को रेस्टिंग टाइम दे दिया। अभी इसको कोट करके हम लोग को फ्राई करना है। अच्छा से कोट कीजिए, नहीं तो फटने का चांसेस रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सावधान है। अभी हम लोग फ्राई करने के लिए एक पैन गरम करने के लिए रख दिया। शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। डीप फ्राई करेंगे तो ये फट जाएंगे। अब देखिए हम लोग ऑयल जैसे ही गर्म हो गया, एक के बाद एक इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में ही पकाना है। एक साइड हो गया तो इसको फ्लिप कर देना है। अब देखिए दूसरा साइड भी ऐसे ही अच्छा से पकना चाहिए। तो इसको ना बनाना इतना आसान है, कोई बिगिनर से इसको बना के रेडी कर सकते हैं, और हेल्दी भी हो गई, और घर का सामान से ही आप लोग रेडी कर सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी भी है। जैसे गर्मा गर्म खाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची बन के रेडी हो जाती है। तो देखिए दोनों साइड एकदम गोल्डन ब्राउन करके इसको फ्राई करना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, फिर दोबारा हमारा जो है वो भी डाल के इसको कुक करना है। इसको थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम में ही पकाना है। अब देखिए क्रिस्पी क्रंची हो गई। अभी इसको अब राइस फ्लावर देंगे तो और भी क्रिस्पी बन जाएंगे। तो ये हम लोग एक सर्विंग प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब देखिए तो अभी सर्विंग प्लेट में हम लोग जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको, जैसे आप कोई सॉस का साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे मैंने ग्रीन चिली सॉस का साथ सर्व किया। आप चाहे तो टमाटो केचप और कोई दही ऐसा इसी का साथ भी, और मेयोनीज सब का साथ आप सर्व कर सकते हैं। खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है, और इसको मैंने काट के दिखाती हूँ अंदर कितना अच्छा लगते हैं। आप चाहे तो अंदर में चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही अच्छा लगा। तो आप लोग को ज़रूर इसको बनाइए और फीडबैक दीजिए और एंजॉय कीजिए। जब भी मन करे इस टाइप का रेसिपी बनाने के लिए तो ज़रूर बनाइए, बहुत हेल्दी एंड टेस्टी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।